हेलो स्टूडेंट, आई एम जितेंद्र सिंह। वेलकम टू आवर आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम जो हैं क्लास सिक्स के अपने अगले टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक में हमने नाउन का लिया था, उसका ही अगला एक पार्ट है नंबर, उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका होमवर्क जो है वो आपको मिल जाएगा बाई विद पेज नंबर, जो आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। हाँ जी, हमने जो है सबसे पहले नाउन के बारे में पढ़ा था। नाउन के अंदर उसके कितने प्रकार के नाउन हैं वो सारा हमने उसकी स्टडी की। फिर उसके बाद हमने जेंडर के बारे में देखा, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, वो सारा स्टडी जो है हमने की है। आज हम अपने अगले टॉपिक नाउन के अंदर ही जो है नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं वचन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए है, इसलिए आप थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर्स, सिंगुलर नंबर्स एंड प्लुरल नंबर्स। अब इनको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और वन थिंग, ये चीज को ध्यान रखना कि जब हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, देन द नाउन इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर, तो उसको जो है हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। एक वचन जिसको हिंदी में कहते हैं, एक वचन उसको कहेंगे, यानी कि हम किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सेकेंड अपना आता है प्लुरल नाउन, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लुरल नाउन किसे कहेंगे, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि जब हम किसी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, दैट द नाउन इज कॉल्ड प्लुरल नंबर, तो उसको हम जो है बहुवचन कहेंगे। हिंदी के अंदर जिसको हम बहुवचन कहते हैं, इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे प्लुरल नाउन। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, यानी कि जब हम किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपके हो जाएगा सिंगुलर नाउन। फिर दूसरा आता है अपना प्लुरल नाउन, यानी कि जब हम किसी एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपके प्लुरल नाउन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बहुवचन, एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। तो फिर इसके ऊपर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, जो नोट के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे किया है। ओनली काउंटेबल नाउन्स, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओनली काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन का मतलब, इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन के अंदर, तो उसके अंदर ही है ये काउंटेबल नाउन, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, गिन सकने वाली जो चीजें है। एग्जाम्पल के मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि बनाना है, पेंसिल, कॉपी, बॉय, चेयर एक्सेट्रा, इस तरह से बहुत सारी चीजें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वो सारे आ जाएंगे आपके काउंटेबल नाउन के अंदर। कैन हैव ए प्लुरल फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखना है कि जितनी भी काउंटेबल नाउन होती हैं, उन्हीं की जो है प्लुरल फॉर्म होती है, उन्हीं को हम सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो है, जितने भी अनकाउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी संख्या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जूस, वाटर, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें हैं, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। आई हैव नो प्लुरल फॉर्म, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनकी कोई भी प्लुरल फॉर्म नहीं होती है। तो एक चीज आप अच्छे से वापस याद रखिएगा कि जितने भी काउंटेबल नाउन है उनका प्लुरल फॉर्म बनता है, अनकाउंटेबल नाउन का कोई प्लुरल फॉर्म नहीं बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सिंगुलर और जो प्लुरल के बारे में पढ़ा है, उस सिंगुलर से प्लुरल में उसको कन्वर्जन करने के लिए उसके कौन कौन से रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, जो आपको ध्यान रखने हैं, उन्हीं के माध्यम से आप जो है सिंगुलर को प्लुरल में उनका कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी कि उनको बदल सकते हैं। तो अपना रूल नंबर फर्स्ट आता है, मोस्ट ऑफ द नाउन्स, यानी कि अधिकतर जो नाउन्स होते हैं कैन बी प्लुरल बाय एडिंग एस, यानी कि अधिकतर जो भी होते हैं अपने प्लुरल्स होते हैं उनको केवल एस लगा के आप जो है उनको सिंगुलर को प्लुरल बना सकते हैं, टू द सिंगुलर नंबर एस। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, अभी मैं बना रहा हूँ, आप देखिएगा इसको, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डॉग, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, बस डॉग लिखा हुआ पीछे केवल एस लगाना है, एस एड करना है इसके पीछे, तो ये एस लगते ही जो है ये हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा, ये डॉग सिंगुलर है, यहाँ पे डॉग एस लगते ही जो है ये प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे कि चेयर लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना, चेयर ऐसा कैसे, पीछे आपको केवल एस लगाना है तो चेयर्स हो जाएगा, तो ये भी आपके प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जैसे कि बॉय है, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज, पीछे एस लगाना है तो ये आपके यहाँ पे प्लुरल में कन्वर्ट हो गया। फिर जैसे कि गर्ल है, तो गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स, इस तरह से, तो इसके पीछे भी हमने क्या है वो एस को ऐड किया है। उसी तरह से टेबल, तो ये टेबल है, पीछे एस लग गया टेबल्स, यानी कि टेबल जो है ये सिंगुलर है, यानी कि एक टेबल को बता रहा दर्शा रहा है यहाँ पे, टेबल्स का मतलब एक से अधिक है, फिर उसमें दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लुरल्स, ठीक है। फिर हो जाएगा बुक, तो बुक को इसको प्लुरल में बदलना है तो कुछ नहीं करना, पीछे एस लगाना है, पीछे एस एड होते ही जो है ये बुक्स, यानी कि ये प्लुरल में कन्वर्ट हो गया,
नेक्स्ट है रूल नंबर टू, इसके अंतर्गत क्या है वो देखिए, नाउन्स विच एंड्स विथ ए हिसिंग साउंड कैन एस 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 एक्स एस एच सी एच, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ड है जिसके पीछे साउंड में एस 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 एक्स एस एच सी एच कैन बी मेक प्लुरल बाय एडिंग ई एस, यानी कि जिन वर्ड के पीछे जो भी वर्ड दे रखा है उनके पीछे अगर ये इनमें से कोई भी आ रखा है तो आपको उनके पीछे जो है वो ई एस लगाना है और उससे आपका जो है वो सिंगुलर से वो प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे वो देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ बस, तो इसके लास्ट के अंदर आया है एस, तो अपना जो रूल्स देखिए यहाँ पे ये एस है यहाँ पे, है ना, तो इस तरह से ये है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर इस तरह से है तो ये आपको पीछे ई एस लगाना है, बसेस हो जाएगा, तो इस तरह से ये इसका सिंगुलर से प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ फिश, तो यहाँ पे देखो लास्ट के अंदर एस एच आया हुआ है, ये अपना है यहाँ पे एस एच, तो इस तरह से ये रूल्स थोड़े ध्यान रखोगे आप, तो अगर इस तरीके से हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पीछे ई एस लगाना है, फिशेस हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांच, तो ब्रांच के अंदर भी लास्ट के अंदर जो है सी एच आया हुआ है, तो ये अपना सी एच है यहाँ पे, तो इस तरह से इसको भी इस पर प्लुरल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे पीछे ई एस लगाओगे ब्रांचेस हो जाएगा, तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके जो क्लास पढ़ते हैं जिसके अंदर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लास्ट के अंदर डबल एस आ रखा है, यहाँ पे देखो ये अपना रूल्स यहाँ पे दे रखा था डबल एस, तो ये इस तरह से है अगर, तो यहाँ पे भी आपको जो है पीछे ई एस लगाना है, तो ई एस लगते ही जो है ये प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फिर आता है अपना फॉक्स, तो इसके पीछे भी जो है वो एक्स लिखा हुआ, तो यहाँ ये रहा अपना एक्स, तो इसके पीछे कुछ नहीं करना, फॉक्सेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये रूल्स नंबर टू हैं जो आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है। इसके अंदर मेन जो याद रखने वाली रिमेंबर रखने वाली जो चीज़ें हैं वो ये सारे एस 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 एक्स एस एच सी एच, ये अगर किसी वर्ड के पीछे है तो इनके पीछे आपको ई एस लगाना है, तो उससे वो प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको ध्यान रखना है, मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया है। फिर है अपने रूल नंबर थर्ड, इसको अच्छे से समझिएगा। इफ वाई कम्स एट द एंड ऑफ ए नाउन और इट हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर लास्ट के अंदर वाई लिखा हुआ है और y से जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब अपने टॉपिक शुरू किए थे तब मैंने आपको दो चीज़ों के बारे में बताया था। इंग्लिश के अंदर जो है 26 लेटर्स होते हैं जिसके अंदर 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं और बाकी के 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैंने बताया था वॉवल्स कौन कौन से होते हैं, एक बार ध्यान रखिए, वापस रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो हैं आपके वॉवल्स है, इनके अलावा जो भी हैं सारे 21 जो लेटर्स हैं वो सारे हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स। तो इसलिए मैंने एक बार वापस यहाँ पर रिपीट कर लिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी वर्ड के पीछे वाई लिखा हुआ है और वाई से पहले जस्ट कॉन्सोनेंट्स हैं तो आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है, देखो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इट्स प्लुरल इज कन्वर्टेड बाय एडिंग इंटो आई ई एस। तो आपको क्या करना है, वाई को हटा देना है और वाई को हटाकर उसके पीछे आपको आई ई एस लगाना है, जिससे वो वर्ड वो प्लुरल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे देखिए, अब यहां पे लिखा हुआ अपने पार्टी, अब इसको अच्छे से देखिए पार्टी, तो लास्ट के अंदर आपने आया है वाई, तो अपना रूल्स ये कह रहा था वाई होना चाहिए, लेकिन एक इसके साथ शर्त ये भी लगी हुई है कि वाई के जस्ट पहले जो है वह कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई के जस्ट पहले टी है, तो टी कॉन्सोनेंट में आता है, ये वाउवल में नहीं आता क्योंकि वाउवल तो ये 5 ही है ए ई आई ओ यू, तो ये टी इसके अंदर आता नहीं है, तो ये अपना वाउवल्स तो है नहीं, ये कॉन्सोनेंट्स ही है, तो ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा। वाई से जस्ट पहले अपने कॉन्सोनेंट्स आ रहा है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको अपने को प्लुरल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, देखिए इसको, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, वाई जो है ये अपना हट जाएगा, तो यहाँ पे देखो पी ए आर टी वाई हट गया और उसके पीछे हम लगा देंगे आई ई एस, पार्टीज हो जाएगा, तो इस तरह से ये अपना प्लुरल्स हो जाएगा। उसी तरह से अपना नेक्स्ट वर्ड है सिटी, तो इसमें भी देखिए लास्ट के अंदर वाई आया हुआ है लेकिन वाई से जस्ट पहले टी है, तो ये भी कॉन्सोनेंट ही है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको भी अगर प्लुरल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, सी आई टी वाई हट जाएगा, वाई को आपको लिखना नहीं है और इसके पीछे आपको आई ई एस लगा देना है, तो ये हो जाएगा सिटीज, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा फैमिली, तो इसके पीछे भी देखो लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या आया हुआ है एल आया हुआ है, तो एल कॉन्सोनेंट में आता है, तो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई होगा। तो आपको अच्छे से ये रूल याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकें, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है, बस रूल्स याद रखिए और आप उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये फैमिली है तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई हट जाएगा अपना और पीछे लगाना है आपको आई ई एस, तो फैमिलीज हो जाएगा। उसी तरह से अपना नेक्स्ट है बेबी,
तो उसके अंदर भी देखो लास्ट के अंदर वाई है, उससे जस्ट पहले बी है, तो बी कॉन्सोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे यही रूल्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेबीज, तो इसमें पीछे भी वाई हट जाएगा और पीछे आई एस लग जाएगा, तो बेबीज हो जाएगा। उसी तरह से आता है लेडी, तो इसके पीछे भी वाई है देखो, तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके लेडीज हो जाएगा, वाई हट जाएगा और उसके पीछे आई एस लग जाएगा। फिर आता है ड्यूटी, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वाई है, वाई से जस्ट पहले टी है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये वाला रूल्स ही अप्लाई होगा अपने, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ड्यूटीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने जो रूल्स बताए हैं आपको, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, इफ वाई हैज अ वोवल बिफोर इट एट द एंड ऑफ नाउन, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग ओनली एस टू द सिंगुलर। यानी कि इसमें ये है कि अगर वाई से पहले वोवल्स है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर केवल आपको एस को ऐड करना है, और एस को ऐड करने से ही जो है ये आपके प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पहले भी हमने वाई वाला पढ़ा था, वाई से पहले, लेकिन उसमें रूल्स दूसरा था, अलग रूल्स था, उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए था। यहाँ पे ये कह रहा है कि वाई से पहले आपके जो है वह वोवल होना चाहिए। अब देखिए इस रूल्स को अच्छे से, जैसे कि बॉय लिखा हुआ है, लास्ट के अंदर आपके वाई है लेकिन वाई से पहले ओ है, तो मैंने बताया भी था ए ई आई ओ यू, तो ये 5 वोवल्स है, तो इन 5 में से कोई भी है अगर वाई से पहले, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको पीछे एस को ऐड करना है और उससे आपके ये प्लूरल्स हो जाएगा, यानी कि बॉय का हो जाएगा बॉयज। उसी तरह से सेकंड आपके लिखा हुआ मंकी, तो यहाँ पे भी देखो लास्ट के अंदर वाई है और वाई से पहले ई लिखा हुआ है, तो ई अपने वॉवल्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे ये रूल्स अप्लाई होगा, और यहाँ पे आपको वाई के पीछे केवल एस लगाना है, तो उससे आपके ये कंप्लीट हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा, उस तरह से ये इसका प्लूरल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है की, की यानी आपकी चाबी हो जाएगी, तो उसी तरह से यहाँ पे भी वाई है, वाई से पहले ई है जो कि एक वॉवल्स है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखने के बाद आपको पीछे एस जो है वो ऐड करना है, तो उससे ये आपके प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डे, तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखो वाई है और वाई से पहले ए है, और ए भी आपके वॉवल्स के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पीछे एस को ऐड करना है, और उसी तरह से ये जो है सारा आपके प्लूरल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है रूल नंबर 4 जो आपको याद रखना है। फिर आता है अपने रूल नंबर 5, इफ एट द एंड ऑफ ए नाउन देयर इज एफ और एफ ई, यानी कि एंड के अंदर एफ या एफ ई दे रखा है किसी वर्ड के पीछे, देन प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटो वी ई एस। इस रूल्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, कि अगर पीछे आपके एफ या एफ ई दे रखा है तो उनको हटाकर उनके पीछे आपको वी ई एस लगाना है, उससे आपका ये प्लूरल फॉर्म बदलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लीफ, अब यहाँ पे देखो लास्ट के अंदर एफ है, तो अपना रूल्स ये कह रहा है कि अगर एफ है तो इसको भी हटाना है और उसके स्थान पे आपको वी ई एस लगाना है, तो अब देखिए इसको मिलेंगे एल ई ए, एफ जो है ये आपके हट जाएगा और उसके स्थान पे आपके आ जाएगा वी ई एस, लीव्स हो जाएगा, पत्तियां। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ थीव, तो ये भी जो है आपके पीछे ई एफ आया हुआ है, सॉरी ये एफ वाले हैं ये भी, तो यहाँ पे ये एफ हट जाएगा, तो इसके अंदर भी देखिए आप वीस हो जाए, वी एस लगाना है पीछे एफ को हटा कर, तो ये हो जाएगा थीव्स। फिर आता है आपके लाइफ, तो लाइफ के पीछे देखिए यहाँ पे एफ ई है, तो ये वाला रूट ये देखिए एफ ई है यहाँ पे, तो इसको हटा देना है अपने को और पीछे वी एस लगाना है, तो ये हो जाएगा लाइफ का, हो जाएगा लाइव्स। और उसी तरह से वाइफ है, तो इसके पीछे भी एफ ई है, तो इसका भी हो जाएगा वाइव्स, एफ ई हट जाएंगे, ये हो गया वाइब्स। तो इस तरह से ये रूल्स रूल नंबर 5 है जो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर वर्ड के पीछे एफ या एफ ई दे रखा है तो वो हट जाएंगे और उनके स्थान पे जो है वी ई एस लगाना है, जिससे ये वर्ड जो है वो प्लूरल पे कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, इफ एट द एंड ऑफ ए नाउन ओ कम्स एंड हैव ए कॉन्सोनेंट बिफोर एट, इट कैन बी कन्वर्टेड बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर एच। अब इसमें क्या है कि लास्ट के अंदर अगर ओ दे रखा है और ओ से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट दे रखा है, मैंने बताया था इसके ऊपर आपको कॉन्सोनेंट के बारे में, तो उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पीछे ई एस एड करना है केवल, और उससे आपका ये जो सिंगुलर वर्ड होगा वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हीरो लिखा हुआ है और लास्ट के अंदर आपके ओ आया है और ओ से पहले आर लिखा हुआ है, तो आर एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स अपने को कुछ नहीं करना है, लास्ट में ओ है और उसके ओ से जस्ट पहले जो है कॉन्सोनेंट है, तो कुछ नहीं करना है, इसके पीछे आपको ई एस लगाना है, तो हीरो का हो जाएगा हीरोज। उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ मैंगो,
तो यहाँ पे भी देखो लास्ट के अंदर ओ है और ओ से जस्ट पहले जी लिखा हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो इसके अंदर भी अपने को कुछ नहीं करना है, मैंगो लिखना है यू का यू और उसके पीछे ई एस लगा दो, ई एस एड होते ही जो है ये इसका प्लूरल हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। उसी तरह से टोमेटो लिखा हुआ है तो ये भी पीछे ओ है तो यहाँ पे भी आपके पीछे ई एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा टोमेटोज। तो इस तरह से ये इसके प्लूरल्स बन जाएंगे। तो ये अपना रूल नंबर 6 है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अपना रूल नंबर 7, सम नाउन फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म बाय चेंजिंग एन इनसाइड वोवेल्स, इनसाइड वोवेल्स। अब इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं इस रूल्स के अंदर। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको वोवेल्स जो दे रखे हैं अंदर के वो चेंज होंगे। इनके वर्ड के पीछे न तो पीछे एस लगेगा न ई एस लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जब एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन या आपको नंबर पूछते हैं तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर एस या ई एस लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। अब ये कैसे होगा वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ फूट, ये लिखा हुआ तो यहाँ पे ये दोनों ओ जो है यहाँ पे डबल ओ लिखा हुआ है ये आपके वोवल है तो ये चेंज हो जाएगा। तो फुट का क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको हमने अंदर इसके इनसाइड जो है इसके अंदर जो है हमने चेंज किया है। यहाँ पे डबल ओ था तो उसके स्थान पे आ गया डबल ई आ जाएगा। तो ये अंदर वाले वर्ड चेंज होते हैं और उससे इनका प्लूरल बनता है, तो ये वर्ड आपको रिमेंबर रखने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये चेंज होते हैं, इनके पीछे कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। फिर जैसे कि माउस लिखा हुआ है तो इसका माइस हो जाएगा, इस तरह से माउस का माइस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वुमेन, तो इसके अंदर भी देखो लिखा हुआ यहाँ पे ए है तो ये चेंज हो जाएगा, ई हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। और इसी तरह से टूथ है तो ये भी जो है दो इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे और टीथ हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके चेंज हो जाएंगे। फिर अपना लास्ट रूल नंबर 8 है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, सम नाउन आर फॉर्म इंटो प्लूरल बाय एडिंग ई एन और आर ई एन। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे ई एन या आर ई एन जोड़ने से जो है ऐड करने से जो है वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे कि चाइल्ड लिखा हुआ है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी कि इसके पीछे आपके जो है वो आर ई एन लगेगा तो ये हो जाएगा आपके चिल्ड्रन, इस तरह से इसका ये प्लूरल बन जाएगा। फिर ऑक्स लिखा हुआ है तो इसके पीछे आपके ई एन लगाना है, ऑक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे प्लूरल चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने जो है नंबर्स के सारे रूल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अपना ये नाउन वाला नाउन के अंदर जो नंबर है वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। आपको अपना होमवर्क जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत जो है आपको भेज दिया जाएगा, जो आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।